ठीक है तो फिर आप आए आपको कागज कम्प्लीट तभी आपको वही हम बोल रहे हैं ना। आप ये प्रोसेस आप लोगों को अब ये ऑनलाइन प्रोसेस में हम लाया है, ये ऑनलाइन प्रोसेस सब लोग आपको हमने कागजी किताबों से निकाल के आप कंप्यूटरों पे आ गया है। अब आपको हर चीज का पता चलेगा, ये जो ऑनलाइन हुआ है इससे आपको हर चीज का पता चलेगा। आप अपना फॉर्म भरते हो, आप देख सकते हो मेरा फॉर्म कौन से कागज कौन से दफ्तर पे रुका है, जिस दफ्तर पे रुका है आप उसको शिकायत डाल सकते हो कि मेरा दफ्तर इस दफ्तर में फॉर्म क्यों रुका है। आपको वहाँ आने की जरूरत ना पड़े, आप तो वादी करते अच्छा है आपका शुगर तो अच्छा है, 136 और वो भी चाय पी होगी खुराक खाते चंदूसे लेते हैं ज्यादा हो गए चंदूसा कंडी में अवेयरनेस कैंप किया है और इसमें कल्चरल प्लस मेडिकल कैंप भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया। इसका हमारा मेन मोटिव ये था कि हम यहाँ के जो फार फ्रेंग एरियाज़ हैं यहाँ के लोकल्स को हम रीच आउट कर सकें, जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर किसी के ऑनलाइन में कोई इशू आया है या आज तक जिनको पैसा कहीं पर रुका है किसी के एडिटिंग नहीं हो पाई है ऑनलाइन में, वो हम रीच आउट करें। इसके साथ हमने इनके लिए एक कल्चरल प्रोग्राम किया है जिसका मेन मोटिव ये था कि ये लोग जो अपनी जिम्मेदारियों से जिम्मेबाड़ियों में इतना बिजी रहते हैं उससे हटकर ये थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का इनका ये रहे। हमने बीएमओ श्री के साथ मिलके यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया है जो उसका मेन मोटिव यही है कि यहाँ के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें। जी बहुत सा ज़रूरी है ऐसे अवेयरनेस कैंप्स की हमें, हमारे जो कंडी एरियाज़ हैं यहाँ पर लोग इतने वेल नोन नहीं होते हैं कि ये बारामूला के ऑफिसेज में आएंगे या हमारे साथ वहाँ पर आके या खिदमत सेंटर्स में, इनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। उस चीज़ को हम कवर अप करने के लिए ऐसे अवेयरनेस कैंप्स हमें बहुत ज़रूरी हैं और हम आगे भी ये करेंगे। एक ज़रूरी मैसेज मैं देना चाहूँगी आपके हवाले से सारे लोगों को कि कल सोशल वेलफेयर डाक बंगला बारामूला में एक अलमको के साथ मिलके एक कैंप कर रहा है जिसमें कि जो भी फिजिकल